तो दोस्तों अभी देख सकते हैं कलर कैसा है ये अभी ना मतलब कि लाइट व्हाइट है और इसके बाद ये कि ये ब्राइट हो गया, ये पूरा हो गया स्टार अपना है ना। क्या बात है, ये अपने ब्लैक एंड व्हाइट है। इसका हम कलरिंग में आते हैं तो ये देखिए कलरिंग में रेड, इसका ये पिंक, इसका ये ब्लू टाइप, ठीक है ब्लू एंड रेड, मतलब कि ये देखिए मल्टी हो गया। अब नजारे देखिए, क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन नजारे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया होंगे, मैं ही बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। एक बार फिर मैं आया हूँ कार 20 पे करोल बाग, और यहाँ पर जो है काम हो रहा है ग्रैंड i10 के अंदर, एक नंबर काम, मतलब फर्स्ट इन इंडिया बोलूंगा। मतलब इतनी छोटी कार के अंदर ये वाला काम मैंने अभी तक देखा नहीं, अगर आपने देखा हो तो कॉमेंट जरूर करना। वही कार रहने वाली है ग्रैंड i10, फरीदाबाद से कार आई है। कार जो है पूरी डिसमेंटल कर रखी है, कार के अंदर जो जो काम हो रहे हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में, मतलब स्टार्टिंग टू एंड मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ काम। बने रहना वीडियो में, सबसे पहले कार दिखाता हूँ क्या काम इसमें हो चुका है, क्या काम हो रहा है और कार की कंडीशन अभी क्या है वो दिखाता हूँ, ठीक है स्टे ट्यून्ड गाइस। तो जैसे गाड़ी का वो गेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे को ना वेलकम प्लेट मिलेगी जिसकी लाइट दिखते ऑन हो रखी है। ग्रैंड i10 रहने वाली है कार ये, जैसे कि देख सकते हैं पूरा जो साइड का गत्ता है वो निकला हुआ है इसका, ठीक है जी। कॉम्पोनेंट इसमें पहले के लगे हुए, सिस्टम इसमें पहले का लगा हुआ है, ठीक है जी, देख सकते हैं आप। बाकी जो इसका इंटीरियर वर्क पूरा होने वाला है, जी हाँ दोस्तों सही सुना आपने, इंटीरियर पूरा होने वाला है तभी इसे गत्ते होते सब खुले हुए हैं। चेरी कलर में रहने वाला है कंट्रास्ट इसका, ठीक है जी, पूरा का पूरा फैब्रिकेशन होने वाली है। बाकी नीचे जो है फ्लोरिंग होगी इसके अंदर, ठीक है जी। फ्लोरिंग के साथ साथ में जो है ना अल्ट्रा कंफर्ट वाले सीट कवर मिलने वाले, जैसे कि आप हल्की जगह देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है जी। चारों दरवाजे गत्ते खुले पड़े हैं, बाकी ऊपर की जो रूफ है देख सकते हैं आप में लगने वाली स्टार लाइट, उसका भी काम चल ही रहा है। पूरी की पूरी कार जो है डिसमेंटल हो रखी है, बाकी स्टेयरिंग को रैप कर दिया है। रूफ का जो पैनल है वो पूरा यहाँ पे रखा हुआ है, देख सकते हैं आप। भैया जो है एक करके जो है LED का सेटअप लगा रहे, देख सकते हैं वायर, देख सकते हैं प्लास्टिक की रहने वाली है, और इसमें तकरीबन 300 है ना भैया, 300 रहने वाली है ना, 300 वायर इसमें रहने वाली है, देख सकते हैं आप। इस निडल की मदद से ना ये एक एक करके पेनिट्रेट कर रहे हैं, उसके बाद होल करके उसमें डाल रहे हैं, देख सकते हैं आप। बाकी पूरा का पूरा यूनिट जो है यहाँ से कंट्रोल होगा, देख सकते हैं आप। जब यहाँ पे रोशनी पड़ेगी तो पूरी जो है ना इस वायर के अंदर लाइट आ जाएगी। अभी मैं आपको थोड़ी देर में इसका जो है ना हल्का सा एक डेमो भी दिखा दूंगा किस तरीके का काम होगा। और बाकी पूरी वो जो रूफ है वो ब्लैक कलर से देख सकते हैं यहाँ पे रैप कर दी गई है, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। लगने के बाद कैसा लुक आएगा ये तो आपको लास्ट में पता चलेगा, बाकी तब तक के लिए आप वेट करो, स्टे ट्यून्ड गाइस। दोस्तों कुछ इस तरीके से जो है एम्बियंस लाइट्स की जो है इंस्टॉलिंग हो रही है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे भैया जो है बहुत ही प्यार से बहुत तरीके से जो है ना इंस्टॉल कर रहे हैं इसके अंदर। और बाकी इंटीरियर वाला जो बताया था चेरी कलर वो यहाँ पे देख सकते हैं लगा दिया, कितना अच्छा लग रहा है ब्लैक और चेरी का कलर कॉम्बिनेशन, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और बाकी कंप्लीट होने दो फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसका जलवा। कलर कौन सा रहने वाला है, ब्लू ब्लू रेड सब रहेगा? अच्छा मल्टी कलर रहने वाला है, ठीक। तो दोस्तों रूफ पे ना हमारी स्टार लाइट जो है उसकी पूरी की पूरी देख सकते हैं, जो वायर है उसकी प्लेसमेंट हो चुकी है प्रॉपर तरीके से, देख सकते हैं पूरा पूरा भैया ने जाल जो है उस पर बुन दिया है। बस मे भी हार्डली आधा घंटा मैक्स टू मैक्स लगने वाला है, ठीक है जी, उसके बाद ये फिट हो जाएगा। बाकी अब आपको लेके चलता हूँ कार के पास, और कार के पास दिखाता हूँ कि कार में अभी क्या क्या काम हो गया है, ठीक है फटाफट चलो दिखाता हूँ वो कार। दोस्तों यहाँ पे जो है ना सारे भाई ताबड़ तोड़ लगे हुए काम करने में, ठीक है जी। बाकी डोर पैनल लगा दिए, देख सकते हैं आप। एम्बियंस लाइट जो है उसके कनेक्शन भी हो गए हैं, ऑलमोस्ट कार जो है हमारी आधी जो है रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं एम्बियंस लाइट का जो एटमोसफेयर है वो कितना अच्छा निकल कर आ रहा है। बाकी यहाँ देख सकते हैं स्कफ प्लेट जो है वो ऑन हो चुकी है, ठीक है जी। भाई इधर का भी जो है पैनल लगा दिया भाई ने, और बाकी जो है फ्लोरिंग देख सकते हैं यहाँ पे कितने बड़े तरीके से भाई लगा रहा है, एकदम खींच खींच के लगा रहा है। और जो है ये वेलक्रो से चुका रहे हो भाई, क्या चुका रहे हो, वेलक्रो, ठीक है। तो भाई वेलक्रो का पूरा सिस्टम रहने वाला है वो चर्र चर्र वाला, ठीक है जी। और बाकी एटमोसफेयर लाइट जो है डैशबोर्ड के नीचे लगा दी, देख सकते हैं आप। मल्टी कलर में रहने वाली है, सेम इसको आप अपनी फोन की एप्लीकेशन से ऑपरेट कर सकते हो, ये भी मल्टी कलर में रहने वाली है, जैसे चाहो वैसे आप कलर यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। स्टे मोड रहने वाला है, बाकी अगर मल्टी कर सकते हो फ्लैशर के साथ वो कर दें, जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पड़ा हुआ, ठीक है। बाकी स्टेयरिंग रैप कर दिया भैया ने, बाकी डैशबोर्ड जो है उसके पैनल लगा रहे हैं वन बाय वन। मैं आपको थोड़ा सा ना फ्लैश मार्क दिखा देता हूँ किस तरीके से जो है इसका लुक आ रहा है, कुछ ऐसा लुक मिलेगा आपको देखने को, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से काम हो रहा है, कैसे भाई लोग लगे हुए हैं इस टाइम पे फटाफट से गाड़ी को रेडी करने में, काम एक नंबर लग रहा है मुझे। मतलब इतनी पुरानी कार होने के बाद भी जो है ना भाई शौक को ऊपर रखा गया है, क्योंकि देखो शौक की कोई कीमत नहीं होती, ठीक है ना भाई। गाड़ी कंप्लीट होने दो फिर मैं आपको दिखाता हूँ पूरा लुक कि गाड़ी में क्या लुक निकल कर आया, ठीक है। स्टे ट्यून्ड गाइस। तो अभी जो है ना मैं इसका नजारा दिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है। लाइट जो है शॉप की हम बंद कर देंगे, उसके बाद आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा कि भाई इसका नजारा कैसा रहने वाला है रात में। बेसिकली क्या है कि अभी क्या है दिवाली का सीजन चल रहा है, तो दिवाली पे जो है ना सारे के सारे लोग अपने घरों में लाइट लगाते हैं, बट जिस भाई की कार है ना उसने अपनी कार की छत पे जो है फुल ऑन लाइट का नजारा एक नंबर करवा लिया है हमारी दुकान से। दुकान का नाम रहने वाला है कार बीस्ट, ठीक है जी, और दुकान रहने वाली है करोल बाग में। नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल ये जो स्टार लाइट है किस तरीके से परफॉर्म करती है ये आपको मैं दिखाऊंगा इसी वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।
तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, रूफ का कुछ ऐसा आलम रहने वाला है। अभी फिलहाल ये देख सकते हैं फुल वायरिंग का गुच्छा दिख रहा होगा आपको, बट हम इसको जब कट कर देंगे तो उसके बाद जो है इसका लाइट का एक एक एजेस जो है बिल्कुल स्टार की तरह दिखेगा आपको, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा आपको अपनी रूफ में, बहुत ही प्यारा नज़ारा रहने वाला है ये आप देख सकते हैं। चाहो तो ऐसा गुंजन ले जाओ, लेकिन हम ऐसा करके देंगे नहीं, हम देंगे बढ़िया वाला हिसाब किताब बनाकर, वो आपको दिखाऊंगा लास्ट में वीडियो के, बने रहना। और वीडियो यहाँ तक देख लिए, ये नज़ारा देख के कैसा लगा आप बताना कमेंट सेक्शन में, फटाफट से लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। ठीक है, स्टेट सकते हैं आप, ये जो वायर है, ये जो लाइट जो फेंक रही है, इसकी हम कटिंग कर रहे हैं कुछ इस तरीके, देखो भैया सीजर की मदद से इसको काट रहे हैं, बेहिसाब काट रहे हैं, कोई इसमें मेजरमेंट का हिसाब किताब है ही नहीं, बस खाली उठाओ काटो और अपने हिसाब से फिर उस बाद में सेट करेंगे। फिलहाल ये देख सकते हैं आप, कुछ ऐसा जो है काम चल रहा है यहाँ पे, दवाई दब काम चल रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं उठा लूँ अपनी गाड़ी में लगा दूँ, लेकिन मेन जो मसला है वो नीचे है, जिसका मॉड्यूल है वो नीचे रहने वाला है, जिसकी वजह से लाइट आएगी। इसका कोई रोल नहीं है, बस मेन रोल उसका है। ठीक है जी भाई, कटिंग हो रही है अभी इसकी जो है ना, रूफ की हेयर कटिंग हो रही है एक तरह से। ठीक है दोस्तों, फाइनली हमारी कार जो है रेडी हो चुकी है। अब जो है मैं आपको फाइनल लुक दिखाने वाला हूँ और सारा सामान दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या हमने कार में इंस्टॉल करा है। कार में चार चांद लगा दिए, वाकई में भाई चांद सितारे तो ऊपर रूफ में देखने को मिलेंगे आपको। तो फटाफट चलते हैं कार की तरफ और दिखाता हूँ आपको वन बाय वन सामान हमने क्या क्या उसमें इंस्टॉल करा है। ठीक है, स्टे ट्यून्ड गाइस। तो गाड़ी में जैसे हम बैठेंगे कुछ इस तरीके से, तो सबसे पहले हमको दिखेगी वेलकम लाइट, जहाँ पे ब्रांडिंग मिलेगी आपको i10 की, और साथ में डोर पैनल के ऊपर मिलेगा हमारा इंटीरियर वर्क, देख सकते हैं कुछ तरीके से। बाकी फ्लैश को दिखाया था, उसका एक्चुअल रिजल्ट क्या आने वाला ये देख सकते हैं आप। और साथ में यहाँ पर आपको ना एटमॉस्फेयर लाइट के साथ में एम्बियंस लाइट मिलेगी देखने को, जो कि यहाँ पे डोर पैनल पर इंस्टॉल है। बाकी ये जो ग्रैंड i10 की लाइट है काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा विजिबल हो रही है। बाकी ठीक इंटीरियर के नीचे जो फ्रंट का डैशबोर्ड होता है उसके नीचे आप देख सकते हैं हमको एटमॉस्फेयर लाइट देखने को मिलेगी, और जस्ट इसी के फ्लोरिंग के नीचे, जस्ट मैट के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर ना फ्लोरिंग देखने को मिलेगी। मैं फ्लैश ऑन कर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ कुछ किस तरीके से हमने यहाँ पे मैटिंग करी हुई देख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ मैटिंग देखने को मिलेगी जो कि अभी क्लीन होना बाकी है। ठीक है, तो एम्बियंस लाइट यहाँ पे डैशबोर्ड पे इंस्टॉल करी गई है, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम काम निकल कर आया है इसमें। और बाकी इंटीरियर वर्क पूरी कार में हुआ है, तो फ्रंट डैशबोर्ड देख लो कुछ इस तरीके से, पूरा पूरा फैब्रिक वर्क यहाँ पे हुआ हुआ है, पिलर ए, पिलर बी और पिलर सी। ठीक है, बोथ साइड हमने जो है पूरा पूरा इंटीरियर वर्क करके दिया है। ठीक है जी, कस्टमर की ऑन डिमांड थी तो हमने करके दिया है। बाकी स्टेरिंग रैप यहाँ पे हो चुका है, देख सकते हैं OEM फिनिश में जो है स्टेरिंग को रैप करा गया है, बिल्कुल भी सिल्वर देखने को आपको नहीं मिलेगी। और बाकी डोर पे जो है एम्बियंस लाइट आपको देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है। बाकी इसमें सिस्टम पहले से लगा हुआ था, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था। बाकी मेन जो है इस वीडियो का शो स्टॉपर वो हमारा रहने वाला है रूफ सेक्शन, मैं आपको दिखा देता हूँ फ्लैश बंद करके। तो रूफ जो है आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, एकदम डिसेंट जिसे बोलेंगे। i10 जो है फर्स्ट इन इंडिया होगी, मैंने तो अभी तक i10 को ऐसी देखी नहीं, इसमें ये वाला काम किसी ने कराया हो। बाकी काम आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़िया काम हुआ है, फुल स्टार वाला फील आ रहा होगा, देख सकते हैं आप। ठीक है जी, तो काफ़ी प्रीमियम गाड़ियों में लगवाते हैं लोग, लेकिन ग्रैंड i10 में लगाए तो एक तरह से फर्स्ट इन इंडिया हो गई ये चीज़। तो आप देख सकते हैं बाकी इसके अंदर लगे अल्ट्रा कम्फर्ट वाले सीट कवर, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो सीट कवर तो भाई जब मर्जी आओ यहाँ पे लगवाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक नंबर सीट कवर बनते हैं। बाकी मेन जो चीज़ वो ये है, देखिए रूफ लाइट रहने वाली है, रूफ लाइट हो गई मेन, हमारी एम्बियंस लाइट हो गई, पूरा इंटीरियर वर्क हो गया, स्टेयरिंग रैप हो गया, और अपने अल्ट्रा कम्फर्ट सीट हो गए, और बाकी फ्लोरिंग हो गई। तो ये सारा काम इसमें हुआ है। तो दोस्तों अब बुलाता हूँ सुबोध भाई को, उनसे पूछेंगे कार में टोटल एस्टिमेट कितना आया है, अगर आप में से किसी को कराना है तो कितना खर्चा आएगा। तो फटाफट से सुबोध भाई को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई कितना खर्चा आने वाला है। स्टे ट्यून्ड गाइस। सुबोध भाई, सुबोध भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबोध भाई क्या हाल चाल है? बस भैया बढ़िया, बताइए। ठीक है, तो भाई मैंने जो काम दिखाया है भाइयों को अपने, तो ये सारा का सारा काम मैं एक बार आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि इंटीरियर वर्क हो गया, पिलर ए, पिलर बी, पिलर सी दोनों साइड के, और डैशबोर्ड हो गया, स्टीयरिंग रैप हो गया, ठीक है, हमारे सीट कवर्स हो गए अल्ट्रा कम्फर्ट, और फ्लोरिंग हो गई विदाउट मैट, मैट नहीं डलवाए, ठीक है, ये हो गया। और बाकी हमारा क्या है, एम्बियंस लाइट हो गई, और डैशबोर्ड जो है हमारा उसके नीचे एटमोस्फेयर लाइट है, लाजवाब पीछे के रिफ्लेक्टर कुछ, अच्छा बम्पर पे जो है लाल कलर की, ठीक है। तो भाई एक्सटीरियर मतलब बाहर की साइड में सिर्फ एक रिफ्लेक्टर लाइट लगाई, राउंड शेप की जो है रिफ्लेक्टर लाइट मिलेगी बम्पर पे, ठीक है, वो भी रियर वाले। अगर बात करें इंटीरियर वर्क की, तो पूरा इंटीरियर काम हुआ है यहाँ पर कार 20 पे करोल बाग में। तो सुबोध भाई जो काम हुआ है टोटल एस्टिमेट कितना आया होगा? ये 30,000 का टोटल एस्टिमेट हुआ, जिसमें हमारा पूरा इंटीरियर है, फाइव लाइटिंग का काम है, अपनी पूरी स्टार लाइट है, ठीक है, और रिफ्लेक्टर है, पूरा मिला के अपना 30,000 का पूरा जो है वो बजट बनाया है।
ठीक है। तो भाई ये जो स्टार लाइट है जैसे कि इसका रिमोट भी है, ठीक है, डेडिकेटेड, बाकी ऐप से भी ऑपरेट होता है ना ये? हाँ हाँ भैया, ये ऐप से भी होता है, कोई चाइनीज होती है ना वो रिमोट से होता है, बाकी ये वाला जो है ये ऐप से होता है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अभी जो है फिलहाल भाई जो है रिमोट अपने फोन से ऑपरेट करके दिखाएंगे आपको किस तरीके से कलर चेंज होते हैं। अच्छा, इसका इसका जो है ये हमने लगाई है एम्बियंस लाइट, कलर चेंज होगा रिमोट से? भैया इसमें जो भी काम हुआ है प्रॉपर, मतलब कि काम प्रीमियम हुआ है, इसलिए जो भी काम है वो भाई फोन ही आपका कलर चेंज होगा, आपको बाबा रिमोट कैरी करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, छोटा सा रिमोट है जाएगा ना वो बात, सही बात है, सही बात, तो वो बाय फोन ही होगा। और बाकी आज मेन है जो मैं आपको ये दिखाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अभी जो है ना सुबोध भाई वहां से फोन से कलर चेंज करेंगे और मैं जो हूँ आपको ऊपर का नजारा दिखाऊंगा स्टेट्यूड। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं कलर कैसा है ये अभी ना, मतलब की लाइट व्हाइट है, और इसके बाद ये कि ये ब्राइट हो गया, ये पूरा हो गया स्टार अपना, है ना? क्या बात है जी, ये अपने ब्लैक एंड व्हाइट है। इसके बाद हम कलरिंग में आते हैं, तो ये देखिए कलरिंग में रेड, इसका ये पिंक, इसका ये ब्लू टाइप, ठीक है, ब्लू एंड रेड, मतलब कि ये देखिए अब देखिए क्या बात है, तो ये मल्टी हो गया। हाँ, अब नजारे देखिए इसके, क्या बात है जी, बहुत ही बेहतरीन नजारे आ रहे हैं दोस्तों, और काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है देखने में, जो बात है। और इसकी हमने बाय देखिए बैटनेस भी कम हो सकती है, ये देखिए बिल्कुल कम, ज्यादा वैसे मेरे हिसाब से तो कम वाली ज्यादा बेटर लग रही है। हाँ, ये देखिए ना ये कम वाली आप लगा लीजिए, प्लस ये ऑन, ये आपका ऑफ, फिर ये ऑन, फिर ऑफ। हाँ, ठीक है, तो ऐप जो है कुछ इस तरीके की दोस्तों, देख सकते हैं आप फोन से, ये पूरा अपना कलर चेंज होता है ऐसे, आप अपना पूरा इस कलर आपको जानी है वो कलर आप जा सकते हैं अपने आप, ओके ओके, भाई फोन से ही पूरा है। ठीक है, तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से भाई ने फोन से ऑपरेट करा और कैसे स्टार लाइट वर्क करती है, किस तरीके से इसको आप हाई लो कर सकते हो, मतलब अपने फोन के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कलर चेंज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल जो है आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि भाई कैसा लगा, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, जैसे स्टारलाइट बोलते हैं सेम इसका काम भी कुछ वैसा ही रहने वाला है दोस्तों। तो इसी नोट पे वीडियो को एंड करूंगा, अगर अच्छी लगी वीडियो तो जरूर लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, और बाकी कोई ऐसा काम करवाना है, ऑनलाइन मंगानी है लाइट, कुछ भी करना है आपको, तो आपको क्या करना है, कारबीज पे आना है। अगर नहीं आ सकते दिल्ली से बाहर रहते हो, दिल्ली से बाहर रहते हो, तो आपने क्या करना है, भाई को कॉल करके अपने लिए ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा लेना है। पेमेंट रहने वाली है प्री, मतलब कि पहले आपको पेमेंट करनी होगी, सीओडी अवेलेबल नहीं है, बाकी माल आपका पहुंचेगा 100% और आपका कोरियर चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत अच्छी बात है। इस नोट पर वीडियो को एंड करते हैं, अगेन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड, राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय।